आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है और यह आज से लेकर 6 अप्रैल तक चलेगा। एक महीने की लंबी छुट्टी के बाद फिर से शुरू हो रहे इस सत्र में टोटल 27 बैठकें होंगी। सत्र का पहला चरण 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हुआ था, जो कि 13 फरवरी तक चला। इसमें 10 बैठकें हो चुकी हैं, जिनमें 4 बार सदन को हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। अमरोहा में भाजपा नेता ने ग्राम प्रधान और बीएससी मेंबरों की मीटिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर का शुभारंभ किया है। उन्होंने बताया कि सेंटर को बनाने में लगभग 2,08,00,000 की लागत आई है, जो कि जिला पंचायत ने खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि इस भवन का इस्तेमाल प्राइवेट लोग भी मीटिंग के लिए कर सकेंगे। जो मीटिंग बाहर जनपदों में जाकर होती थी, वह अब यहाँ पर होंगी। हमने उद्घाटन किया है ये रिसोर्स सेंटर, आपके हमारे ज़िले के लिए जिला पंचायत से हमने बनवाया। 2,08,00,000 की लागत से ये रिसोर्स सेंटर बना है और इस रिसोर्स सेंटर से अब हमारे ज़िले के लिए जितने भी यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं थे, जहाँ ट्रेनिंग के लिए चाहे वो प्रधान हो चाहे ज़िले के अधिकारी हो, वो ट्रेनिंग के लिए हमारे ज़िले से बाहर जाना पड़ता था, अब वो यहीं पर अपनी ट्रेनिंग भी कर पाएंगे। और ये हमारे ज़िले के लिए बहुत एक आगे बढ़ने के लिए भी, और नए लोग जो यहाँ पर प्रधान हैं सब हैं, उनके लिए एक सहूलियत भी है कि जिले के अंदर ही ये रिसोर्स सेंटर बन गया है। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में इमरजेंसी वार्ड में तैनात ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। अस्पताल की तरफ से इसकी सूचना पुलिस को दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने डॉक्टर पर हमला करने के आरोप में मरीज के 3 परिजनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अक्षय और सचिन जिला रोहतक के रहने वाले हैं। दरअसल आपातकालीन वार्ड में ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर पर मरीज के परिजनों ने हमला कर दिया था। पूरे देश में कानपुर की होली फेमस है, क्योंकि यहाँ रंग 5 दिन खेला जाता है। आज से कानपुर में ऐतिहासिक गंगा मेला की शुरुआत हो रही है। करीब 5.5 किलोमीटर तक कानपुर के घने इलाके से भैंसा गाड़ी पर रंगों का ठेला निकलने वाला है। कानपुर इस रंगो उत्सव में डूबा नजर आने वाला है। तिरंगा फहराने से शुरू होता है ये उत्सव। कानपुर में पिछले 82 वर्षों से अनुराधा नक्षत्र पर इस परंपरा को बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें कानपुर के लाखों लोग जुटते हैं और पूरे शहर में होली खेली जाती है। इस दिन कानपुर में होली से भी ज्यादा रंग खेला जाता है। गंगा मेला के लेके पूरी तैयारियां चरम से, अपने पूरे गंगा मेला अपना पूरे शान शौकत के साथ निकलेगा। इसके लिए हमने व्यापक तैयारियां की हैं। सोमवार दिन 13 मार्च को सुबह यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी महोदय व कानपुर के पुलिस कमिश्नर आएंगे, ये तिरंगा झंडा फहराएंगे। उसके बाद यहाँ पुष्पांजलि करके राष्ट्रीय धुन बजाएगा पुलिस बैंड। उसके बाद हम लोग यहाँ से जुलूस के रूप में रंगों का ठेला लेके निकलेंगे, जो यहाँ से प्रारंभ होकर जंगलगंज, मनीराम बगिया, मिस्टर रोड, कोतवाली चौराहा, शिवाला, कमला टावर, बिराना रोड होते हुए पुनः इसी स्थान पर आकर पूर्ण विश्राम लेगा, जिसमें टेम्पो ट्राली, ट्रैक्टर ट्राली, ऊट भैंसा ठेला, बैंड, ढोलता से साउंड ट्राली और करीब 2,500-3,000 नवयुवक होली खेलते हुए रंगों की बौछार करते हुए पूरे शहर को रंगों सराबोर करते हुए चलेंगे। शाम को इसी स्थान में बाल मेला लगेगा, जिसमें बच्चों के मनोरंजन के समस्त स्वागत हम लोग उपलब्ध कराएंगे। जनपद मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऑपरेशन चक्रव्यूह और ऑपरेशन सिकंजा के तहत शासन के निर्देशानुसार अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत 52
अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें पिछले 24 घंटे से मैनपुरी के विभिन्न थानों के अपराधियों को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है, जिससे आगामी निकाय चुनाव को शांतिपूर्वक कराया जाए। इन अपराधियों में वारंटी वांछित और NBW के अपराधी हैं। सुरक्षा की दृष्टि और अपराध को रोकने के लिए ये कार्रवाई काफी अहम मानी जा रही है। कल रात वांछित अभियुक्तों और जो हमारे NBW हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु एक महाअभियान 12 घंटे का चलाया गया ऑपरेशन चक्रव्यूह के नाम से, जिसमें पूरे जनपद में वांछित और NBW की कुल 52 गिरफ्तारियां हुई हैं। और ये विभिन्न मामलों में काफ़ी दिन से इनके वारंट लंबित थे थानों पे और वांछित चल रहे थे। इस प्रकार एक बड़ी कार्रवाई जनपद पुलिस द्वारा सभी थानों में की गई है और इन सभी को आज गिरफ्तार करके जो गिरफ्तारी हुई है न्यायालय। संगम नगरी प्रयागराज के करेली में बीती रात फ्लैट में घरेलू गैस सिलेंडर फटने से हड़कंप मच गया। मौके पर स्थानीय लोगों ने करेली थाने को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं चीफ फायर ऑफिसर प्रयागराज ने बताया कि सूचना पर तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग को काबू पाया। साथ ही ये भी बताया कि किसी भी प्रकार की इसमें जनहानि नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।